साल में ही हो गई थी आई पी एल के सिलेक्शन या दूसरे साल में हाँ, उसके बाद, मतलब सब कह रहे थे कि ये तू पक्का बिकेगा इतनी अच्छी बॉल डाली पहले, साल में पहले साल में कि कोई कह है, एक करोड़ में बिकेगा दो बिकेगा लेकिन मैं यही चाहता था एटमोस्फेयर में जाना है मुझे आई पी एल में वो रहना है किसी टीम के साथ रणजी ट्रॉफी में उसके बाद सात टीमों के ट्रायल्स पे गया आई पी एल के आई पी एल के तो मेरा सबसे अच्छा ट्रायल गया बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे अच्छे गए लेकिन जो मुझे लगा कि ये दो टीमें जा सकती है वो थी चेन्नई और दिल्ली अच्छा दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि इन दोनों के ट्रायल कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव हुए थे मैं तेज डाल रहा था और जो मैं मतलब यॉर्कर्स अच्छी गई थी जो एक डिमांड होती है एक टी ट्वेंटी में आपकी स्लोर वन यॉर्कर्स बाउंसर अच्छी सारी बॉलर अच्छे पड़ रही थी हाँ उस दिन ये इन दोनों पे ट्रायल पे सब अच्छा हो रहा था और मैं इकनॉमिकली भी था उसमें देन हम मेरा उसमें नाम आया रंजी ट्रॉफी में हम गुवाहाटी गए थे तो ड्यूरिंग उस समय कोविड था तो कोविड का मतलब जस्ट ख़त्म हुआ था कोविड तो उस समय हमें क्वारंटीन होना पड़ता था कुछ दिनों के लिए तो क्वारंटीन का टाइम था सो so, पहला दिन कुछ नहीं हुआ सेकेंड डे ऑप्शन था तो मेरा थोड़ा लेट था नाम ऑप्शन लिस्ट में तो नाम आया जैसे ही तो मुझे लगा कि ये दोनों टीमें जाएगी उससे पहले बात हुई थी इन टीमों में से किसी की मेरी चिन्नई के साथ थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन हुआ था कि उन्होंने मेरी वीडियोज़ मांगी थी और मेरा मतलब परफॉर्मेंस मांगी थी विजय हरे की तो मुझे चेन्नई का तो था कि नाइन्टी परसेंट ये शायद जाएंगे क्योंकि उन्हें फास्ट बॉलर क्योंकि वो मेगा ऑप्शन था तो उन्हें एक प्रॉपर बिल्ड टीम बिल्ड करनी थी तो मुझे लगा कि शायद वो जा सकते एक डोमेस्टिक फास्ट बॉलर के लिए जैसे नाम आया तो मैं मैसे दो टीमों को देख रहा था चेन्नई और डेली तो जैसे नाम आया पहले तो नाम आया तो मैंने फ़ोटो देखी अपनी नाम आया तो एक ही खुशी हुई कि चलो टीवी पे इतने सारे लोग देख रहे हैं लिस्ट में भी आया वो भी एक बहुत हाँ कि टीवी पे इतने सारे लोग देख रहे हैं तो उस उनके सब और इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहाँ पे तो उन्होंने नाम और तो नाम तो जानते ही हो मेरा मुझे जानते ही है कि कौन है ये तो देन किसी ने पिक नहीं करा वो सोल्ड हो गया एकदम से सोल्ड अनसोल्ड हो गया अच्छा फर्स्ट बारी में अनसोल्ड हो गया तो मतलब वो पता नहीं दस पंद्रह सेकंड में ऐसे हुआ वो एंड स्टेज में करते वो उसमें आया होगा वो फटाफट फड़ से जो आखिरी में होते हैं मेन पहले वाला जब ऑप्शन था।, था वो तो पंद्रह सेकंड में कि, किसी का रिस्पांस नहीं था वो अनसोल्ड हो गया एकदम से नाम चला गया अच्छा मेरा फिर मैं थोड़ा सा लाइक उदास तो नहीं हुआ लेकिन ये था कि थोड़ा शौक हुआ मैं कि जो टीम में सोच रहा था कि जाएगी वो तो उन्होंने देखा भी नहीं वो सोचा भी नहीं कि बात भी नहीं करी जैसे होता है कि किसी प्लेयर के लिए बात करते हैं कि जाए कि नहीं जाए कुछ नहीं और सीधा वो अनसोल्ड तो ऑप्शन ख़त्म हुआ पहला राउंड तो मेरे सामने जो हमारे हिम्मत भी आते शायद मेरे सामने वाले रूम में तो ऑप्शन ख़त्म होने के बाद पहला राउंड खत्म होने के बाद हम ऐसे बाहर ख, जा सारे निकले रूम से अपने और जो जो सेलेक्ट हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गए तो उन्होंने मुझे कहा कि चिंता मत कर कि अभी सेकंड राउंड भी है अच्छा। उसमें हो जाएगा तो तब मुझे पता चला कि वो अनसोल्ड वाले की फिर से आती है ना हाँ एंड में हाँ तो तब मुझे पता चला कि एक और राउंड भी होता है ऐसा कुछ ऑप्शन के लिए अच्छा तो फिर मैं कुछ नहीं था मैंने कहा चलो अब ऑप्शन में अगर पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में तो क्या ही होगा तो मैं ये डिसाइड कर चुका था कि ऐसा नेट बॉलर तो मैं जा ही रहा हूँ तो मैं बस नॉर्मल फ़ोन चला रहा था तो पता नहीं वो कब स्टार्ट हुआ ऑप्शन तो मैंने एकदम से देखा तो वो ऑप्शन स्टार्ट हो चुका था तो मैंने कहा चलो बैठ जाता हूँ दो मिनट देख लेता दो कि क्या है तब नाम आया था उसके बाद आना था उससे पहले उसके बाद आना था अच्छा तो नाम आया तो मैंने मैं कुछ वो मतलब कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी कुछ नहीं थी कि मैंने कहा कि ऑप्शन में आया ना आए अब ठीक है एक बात है तो एकदम से वो ग्रीन हो जाता है जैसे ये कोई पिक करता है हाँ, तो, वो ग्रीन भी हो गया वो सोल्ड भी हो गया तो मैं खुद मैं लेट गया मैं बेड पे और फिर मैंने सिर्फ ये बोला कि मैंने भगवान को थैंक यू करा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे करवा दिया और कॉल वो आने लगी मैसेज आने लग गए मैंने किसी को उस कॉल नहीं उठाया था एक घंटे तक और एक घंटे तक मुझे ये भी नहीं पता था कि इस टीम ने मुझे पिक करा है तो अब सब मैसेज कर रहे हैं तो अब किसी को तो लिखना है ना कि कौन सी टीम में हुआ है तो पता नहीं लगा था तो 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 देन मैंने ने? गूगल पे सर्च करा कि कौन सी टीम ने मुझे पिक करा है तब मुझे एक घंटे बाद पता चला कि लखनऊ ने मुझे फर्स्ट टाइम ऑप्शन देख रहा था भाई आप मतलब उससे पहले कोई बोल नहीं था कि अगर मेरा नाम नहीं है तो मैं मतलब मैं क्रिकेट भी नहीं देखता था ज़्यादा क्रिकेट भी अभी मैंने कुछ साल पहले से जब से मैं आईपीएल पी खेला हूँ तब से मैंने थोड़ा क्रिकेट देखना स्टार्ट कराया और उसी आईपीएल में से उसी आईपीएल पी एल में आ, मैं थोड़ा मैचेस भी देखता था आईपीएल पी एल के कि अगर मैं खेलूंगा तो किस बैट्समैन को क्या वो डालनी है विजुअलाइजेशन शुरू हो हाँ, जाती थी उससे पहले मैं मैचेज नहीं देखता था मैं या तो पहले चार ओवर देखे फास्ट बॉलिंग देखी या पहले आठ ओवर देखे बस खत्म फिर मैच सिर्फ आईलैट्स ठीक है तो फिर कैसा एक्सपीरियंस है टीम में जाने के बाद कैसा था उस टीम का माहौल पहले तो मुझे ये लगा था पहले मतलब जो मैं अपना अपने माइंड में बना रहा था चीज़ें कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनसे इतनी बात नहीं हुई या वो थोड़े अपने अपने स्पेस में रहेंगे कि जो मैं सुनता था नॉर्मल बंदों से और वो बंदे वो होते थे जो कभी खेले ही नहीं है कुछ वो ये बात करते थे कि प्लेयर ऐसे रहते हैं थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं तो उन्हीं के परस्पेक्टिव से मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि शायद वो अपने स्पेस में रहेंगे थोड़ा सा लेकिन जब मैं राहुल भैया से मिला तो अगर के राहुल से अगर मैं उनसे दस मिनट की बात करनी है ना अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा ना वो मुझसे पाँच और क्वेश्चन पूछते थे और उनका जवाब भी देते थे तो अगर मैं ये सोचता था कि थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि पाँच मिनट की बात कर लेता हूँ लेकिन उनसे जब बात ख़त्म होती तो वो चालीस मिनट भी हो जाती थी कभी आधे घंटे भी उनसे बात हो रही है तो कोई भी मेरे को ऐसा लगता लगा नहीं कि इनसे बात नहीं कर सकते ऐसा होता भी नहीं है पता नहीं किसने बताओ बट सारे एकदम चिल माहौल ही रखते हैं सारे देते टाइम इवन जो पहला प्रैक्टिस सेशन था तेज डाल रहा था उसमें लेकिन थोड़ा सा उस समय वेवर था ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था उस समय क्योंकि उस समय सोचता ही नहीं था कुछ एकदम से विजय आर खेला आई में हो गया सब कुछ एकदम से होता चला हाँ गया मतलब। तो उस समय मतलब मेरा ये था कि अगर पेस से मेरे को सब पेस से एक स्पीड से वो कहते थे कि ये तेज डालता है तो मुझे लगा कि यहाँ भी वही होगा कि अगर मैं तेज डालूंगा तो शायद मेरा अच्छा हो लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है वहाँ आपको स्पीड के साथ स्किल्स भी चाहिए कंसिस्टेंसी भी चाहिए वहाँ तो बिल्कुल चाहिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और मेन मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा टच हुई वो होता है जब मैं राहुल भैया के साथ जिम कर रहा था तो सिर्फ वो थे और मैं था तो छः महीने पहले मैं जो जिम जहाँ जिम करता था तो वहाँ सिर्फ एक पंखा होता था कोई एसी नहीं कोई कुछ नहीं अच्छा। सिर्फ एक पंखा लगा होता था तो गर्मियों में दिल्ली की के 44 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय सिर्फ एक पंखे में और मैं अकेला जिम करता था तो जिम खुलता था पाँच बजे तो मैं दो बजे जाता था ताकि कोई मुझे मिले ना तो दो से चार जिम करा उसके बाद जो ट्रेनिंग होती वो करता था लेकिन जब उनके साथ मैं जिम कर रहा ना तब मुझे लगा कि हाँ कि एक स्टेप ऊपर आ चुका हूँ तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा टीम में जिससे कुछ सीखने को मिला मेरे को मैं ये सोचता हूँ कि आई थिंक कि आपको हर एक प्लेयर कुछ ना कुछ बता सकता है तो मेरा सबके ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहता था क्योंकि मैं सबसे कुछ ना कुछ पूछता था चाहे वो ट्रेनर हो फिजी हो कोच हो या कोई प्लेयर हो या कोई नेट बॉलर क्यों ना हो तो मेरे को लगता है कि आपको अगर आप पे क्वेश्चन है ना तो आपको आगे आंसर तो उसके मिलेंगे लेकिन आपको आगे think, वो लाइफ में आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते ही करते तो मैं सबसे क्वेश्चन पूछता था कि जितना हो सकता है मैं पूछूं क्योंकि मैं मैं चाहते ही ये था कि जितना हो सके ना मैं नॉलेज ग्रैप करूं और ताकि जल्द से जल्द वो मैं अपनी बॉलिंग में इम्प्लीमेंट कर सकूँ ताकि उन्नीस साल का था मैं उस समय तो यंग एज है पेस अच्छी है सब कुछ अच्छा है लेकिन क्या इन जो बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स हैं इन्होंने क्या करा या क्या सीखा या ये कैसे करते हैं वो चीज़ मैं कितनी जल्दी अपने में ले आऊँगा ना वो मेरे को हेल्प करेगा आगे वो एक होते ही एक अच्छा एटमोसफेयर में रहो ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है बड़े प्लेयर्स से भी लखनऊ सुपर जाइन्स में सबसे खतरनाक बैट्समैन कौन सा जिसे बॉल डालने में डिफिकल्टी लग रही हो मुझे सबको मतलब ऐसा लगा कि इनको मैं बॉल डाल सकता हूँ ईजिली लेकिन जो एक बैट्समैन था वो है क्विंटन डीको अच्छा मतलब मैं तेज डाल रहा हूँ तो तीन चार बैट्समैन हो गए थे मेरे तो उनको मैं स्पेस से बीट करवा रहा हूँ तो मैं कुंटन डीकॉक आया तो मैंने कहा कि इसको भी अब मैं पेस से बीट करके दिखाता दो एक मैंने तेज डाली उसने उतनी तेज मुझे एक शॉट पुल मारा छोटा बॉल डाला था मैंने उसने उतनी तेज पुल मारा शॉर्ट बॉल तो यार वो बहुत ही अच्छी खेलते है वो पहली बॉल के बाद मुझे समझ आ गया कि ये वो बैट्समैन नहीं है जो पेस से मुझे मेरे से बीट हो जाएगा इसके लिए वो डालना ही पड़ेगा इवन मतलब वो ऐसा बैट्समैन है जिसके पास हर शॉट है वो आपको पुल भी मार सकता है फ्लिक भी मार सकता है आपको कट भी मार सकता है वो ड्राइव भी मार सकता है वो स्ट्रेट ड्राइव भी मार सकता है तो उसके लिए मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत कम है तो मैं मैं कोच को एंडी फ्लावर हमारे कोच से मैंने जितना हो सके वो मैं यही बोलता था कि मुझे क्विंटन डीकॉक को बॉल डालनी तो मुझे पहले ग्रुप में बॉलिंग uh, रखो मेरी क्योंकि वो ओपनर था तो ओपनर्स बैटिंग करने आते थे डीकॉक और राहुल भिया तो जितना हो सके मैं इनको बॉल डालना चाहता था उस समय तो भाई आपको डेब्यू का मौका मिला कि नहीं मिला आई में डेब्यू का चांस तो मेरे दो तीन बार बने पहले सीजन में ही क्योंकि जिस हिसाब से मैं डाल रहा था तो हर कोई लाइक कर रहा था गौतम भैया ने मुझे बहुत लाइक करा उस समय और कोच भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि वो डेब्यू नहीं हो पाता था तो लास्ट मैच से पहले राहुल भी आए प्रैक्टिस सेशन में हमारे उन्होंने मुझे कहा कि तू रेडी रहे कल तू पक्का डेब्यू कर रहा है तो शाम को छः बजे तक पक्का था कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ लेकिन एक प्लेयर इंजर्ड हुआ वो एक बॉलर इंजर्ड हुआ उनकी जगह एक बैट्समैन को डालना पड़ा तो फिर लास्ट मैच भी मैंने खेला बॉलर की जगह बैट्समैन को डाला हाँ क्योंकि एक ऑलराउंडर बाहर हुआ था अच्छा तो एक बैट्समैन को डालना पड़ा था तो देन उस मैच में एक भी आउट नहीं हुआ हमारी टीम ने 240 रन बनाए नो लॉस तो जो बैट्समैन आए उनका भी कुछ ऐसा रोल रहा नहीं कि mm -hmm. उनकी बैटिंग है कुछ भी तो फिर पहले सीज़न में तो मेरा डेब्यू नहीं हुआ और फिर रिटेन हुआ उसके बाद देन मैं रिटेन हुआ तो नेक्स्ट सीज़न जो अभी पिछला सीजन गया इसमें था कि मैं पहले सीजन पहले मैच से ही खेल रहा था mm -hmm. टीम में था पहले एक दो मैच से अच्छा देन मिला चांस लेकिन मैं प्रैक्टिस मैच था जो हमारा उसमें मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं इंजर्ड हो गया तो देन वो पूरा एट वीक डेब्यू हुआ कि नहीं हुआ नहीं, नहीं, नहीं हुआ।, हुआ तो टीम में किस में था रिटेन हुआ तो जिसमें नहीं।, नहीं नहीं रिटेन तो हुए फिर उसके बाद आपने बोला ना कि प्रैक्टिस मैच हाँ, प्रैक्टिस मैच था तो उसमें पहला बॉल डालने गया तो पैर स्लिप हो गया तो देन इंजर्ड वो पूरा सीजन निकल गया फिर वो एट लग गए उसको